ज्यादा लड़ाई होता है, कहीं ज्यादा मार लगता है, कहीं ज्यादा उनका हस्बैंड जी नशा करके आते हैं, कहीं ज्यादा उनको मार लगता है। लेकिन उस तरह का इंसान रहता है, दो महीने बात करते हैं भाग जाते हैं। सारा काम करती फिर भी घर लौट के आती, उतना दिन नहीं भागे, इतना दिन मेरा इज्जत रखी, तो हम क्या इनके साथ ऐसे करेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप लोग को थंबनेल देख के ही पता चल जाएगा, और दोस्तों थोड़ा सा क्लिप बैट देख के ही पता चल जाएगा कि आखिर आरती आज ऐसे क्यों बोल रही है। तो दोस्तों देखिए, हम बात करने वाले हैं कि आज हम इस घर जो है ना, इस घर को छोड़ के जाने वाले हैं, आखिर क्यों। और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पूरी सच्चाई आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं और आप लोग से बताने जा रहे हैं कि दोस्तों देखिए, आज जो है ना, हमें इस तरह का गलत राय दिया जा रहा है कि जो कि बोल रहे हैं कि आरती जी इस घर से जो है आप चले जाइए। ऑल इंडिया में बताइए दोस्तों कि पति पत्नी में कहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, हर एक के घर में लड़ाई झगड़ा होता है। हम लोग में जो भी हम लोग के साथ दुख सुख होता है, आप लोग एक फैमिली की तरह हमारे, तो आप लोग से शेयर करते हैं। तो आप लोग को जो है, जो हमें इस तरह का गलत राय देते थे, दिए हैं, तो उनको अच्छा राय देना चाहिए। अच्छा राय नहीं देने के लिए जानते तो गलत राय क्यों दे रहे हैं किसी को? आप लोग के चलते कितने घर उजड़ सकते हैं। कोई हम खराब बात बोल रहे तो दोस्तों आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह का राय देंगे तो इतने संसार में जो लड़ाई कर रहे तो सबका तो घर बर्बाद ही होंगे ना, किसी का घर तो नहीं रहेंगे। सबके घर में लड़ाई होता है, ऐसा किसी का घर ही नहीं होगा कि जिसमें लड़ाई नहीं हो। आप लोग जो है, हम लोग को सब दिन से सपोर्ट किए हैं, एक शुरू से, तो इसलिए आप लोग के साथ हम जो भी हमारे साथ दुख सुख जितने भी चीज होते हैं, कब क्या खाते हैं, सारा चीज आप लोग से शेयर कर दे। क्या किया जाए, कितना बेवकूफ इंसान है वो, माता पिता कितना अच्छा संस्कार दिए होंगे कि जो इस तरह का राय दे रहे हैं। आदमी हमें गलत बोल रहे हैं कि आरती जी आप गलत हैं। कोई गलत कराहते नहीं है, किसी को गलत बनाया जाता है। और जो इस तरह का राय देते हैं, सबसे बड़ी बात सोचिए कि वो कितना गलत होंगे। दूसरे को सबसे बड़ी हाथ होती है, किसी को अगर इंसान घर बसा देते हैं ना, तो उनके जैसे महान कोई इंसान नहीं रहते हैं। लेकिन वही अगर जब घर बसा हुआ घर थोड़ा सा नोक हुआ, उसमें अगर जब उजाड़ने की चाल चलने लगती है, तो उससे बुरा व्यक्ति किसी को नहीं कहा जा सकता इस धरती पे। हम गलत नहीं है दोस्तों, हम गलत इसलिए आप लोग के नज़र में है कि हम थोड़ा सा जो भी हमारे साथ दुख सुख होते हैं आप लोग से शेयर कर देते हैं, इसलिए आप लोग के नज़र में गलत है। लेकिन हमें जो गलत राय देते हैं तो वो गलत नहीं हुआ क्या दोस्तों? आप लोग से हम इतना सारी बात क्यों शेयर करते हैं? इतना सारे आदमी क्यों नहीं शेयर करते हैं? जो घर में बैठे हमसे कहीं ज़्यादा लड़ाई होता है, कहीं ज़्यादा मार लगता है, कहीं ज़्यादा उनका हस्बैंड जी नशा करके आते हैं, कहीं ज़्यादा उनको मार लगता है, लेकिन आप लोग से शेयर नहीं करते हैं। हम आप लोग से शेयर इसलिए करते हैं कि ना हमारे माँ बाप, मतलब हमारे कोई नहीं है, जो भी चीज है आप लोग हैं, आप लोग को हम अपना फैमिली बनाए हैं, आप लोग भी हमें अपना परिवार माने हैं, तो इसलिए हम जो है अपना कोई भी अपने दुख होगा तो अपने परिवार से बताते हैं ना। तो आप लोग एक तरह का परिवार हुए, तो आप लोग से बताए तो हम कौन खराब किए। और आप लोग में से कुछ बोल रहे हैं कि आप लोग माँ बाप क्यों नहीं, माँ बाप को छोड़ के आए, बहुत गलत किए हैं। हम गलत नहीं किया, आप लोग देखे ना, किसी का बेटा का जान लिया तो गलत नहीं किया क्या? हम उनको बोले थे क्या कि आप जान लीजिए, हम उनको बोले थे कि पिताजी आप मार दीजिए और जेल चले जाइए, आप गलत कदम उठाइए। जहाँ तक कि दोस्तों हम बेटी हो के उनको समझाए भी थे, हम अपने पिताजी, हम अपने भाई को, जो कि बाद में भी बोलेंगे वो, अभी नहीं बोलते होंगे अलग बात है, लेकिन हम उनको समझाए थे कि इस तरह का ना कीजिए। कोई बच्चे गार्जियन को नहीं समझाते, गार्जियन अपने बच्चे को समझाते हैं, लेकिन हम बच्चे होके गार्जियन को बताए थे, बच्चे होके गार्जियन को समझाए। जो कि हम घर में एक रोज नहीं रहते थे, हम अपना काम करते थे वहाँ, जीविका सब में हर एक चीज में करते थे, सब दिन हम घर से बाहर रहते थे। अगर जो उस तरह का इंसान रहता, जो कि हम 2 साल पहले से बात करते थे, उस तरह का इंसान रहता, 2 महीने बात करते हैं भाग जाते हैं। लेकिन हम अपने माँ बाप, सोचे माँ बाप के, अपने घर परिवार के सहमति से करेंगे अच्छा रहेगा। उनको समझना चाहिए कि जब हमारी बेटी हमसे, कोई उनके साथ में नहीं जाते हैं और अकेले सारा काम करती फिर भी घर लौट के आती, उतना दिन नहीं भागे, इतना दिन मेरा इज्जत रखी, तो हम क्या इनके साथ ऐसे करेंगे? तो गार्जियन को सोचना चाहिए ना दोस्तों, इसमें मेरा कहीं भी गलती, थोड़ा सा भी गलती नहीं है। नहीं तो उस तरह का लड़की रहते ना, तो हम भाग के भी शादी कर सकते थे, पहले ही इज्जत उछाल लेते, बाद में हम इज्जत नहीं उछालते। हम इज्जत नहीं उछालें, अपने आप से खुद इज्जत उछालें, और अपने आप खुद घर को बर्बाद किया, हमने घर बर्बाद किया। घर बर्बाद करने का रहता तो हम यहाँ नहीं बसते, आज हम धरती पे नहीं रहते। घर बर्बाद करने का रहता तो
आज धरती पे हैं तो वो घर भी सही है, नहीं तो वो भी घर सही नहीं रहते दोस्तों। आज दिल से जो भी बात निकलता है ना, किसी का दिल जड़ता है ना दोस्तों, और कोई गलत राय जब देते हैं ना, जो कि गलत हम गुजरे हुए हैं, गलत स्थिति से गुजरे हुए हैं, इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरे हुए, हमें सब चीज समझ में आ गई है कि जिंदगी कैसे कटता है और किसको कौन रख सकता है दोस्तों। इतनी बहुत बड़ी बात हमें समझ में आई है, इतनी बात हमें समझ में नहीं थी उस टाइम। और हमें जो लोग सिखाते थे ना, हम खुद अपने मुंह से बोल रहे, हमें दूसरे कोई नहीं बोलेंगे, हम खुद बोल रहे, जो हमें लोग सिखाते थे हम उसी के बात पे चलने लगते थे। लेकिन अब समझ में आई है कि दूसरे के बात पे चलने वाले इंसान का गति क्या होता है, आज हमें समझ में आई है। तो दोस्तों इंसान जो है ना, ऐसे कोई अच्छे रास्ते पे नहीं चलने लगते हैं, बहुत बड़ा ठोकर खाती है तब अच्छे इंसान जो है ना अच्छे रास्ते पे चलते हैं। किसी को जब तक ठोकर नहीं लगेगा तो अच्छे रास्ते पे आ ही नहीं सकते हैं। हमें हद से ज्यादा, इतना उम्र में हद से ज्यादा ठोकर लगा है, हमें सिर्फ हमको नहीं, हमारे यहाँ के पूरे परिवार को ठोकर लगा है, तब जाके पूरा सही रास्ते पे आए हैं। और जो आप कितनों चाहिएगा ना कि गलत राय देके और इनका घर बर्बाद कर देंगे, तो ऐसे इंसान नहीं है। गलत का सामना करके जो है ना, गलत तो आज हम गलत रहते ना तो आज तलिक हम इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहते, और इंसाफ नहीं दिलाते, सच्चाई का साथ नहीं देते। गलत आदमी तो बस जो गलत रहते उन्हीं का साथ देते हैं कि भाई मेरा भाई है, मेरा पिताजी है, मेरा घर वाले जो हमको जन्म दिया, तो हम उनको गलत रास्ता पे कैसे ले जाएंगे। लेकिन हम गलत वो नहीं है, हम जब से भी हमको ख्याल है ना, हर एक दिन हम हर एक पल जो है ना सच्चाई का साथ दिए हैं, और अभी भी हमारे साथ जो होता है ना सच्चाई ही आप लोग से बताते हैं। हम लोग कोई व्यू पाने के लिए कोई कंटेंट नहीं ढूंढते हैं। तो दोस्तों आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, और कल जोड़ के बोलते हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए इसलिए दोनों हाथ से हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों दिल से बोल रहे हैं और प्रणाम करके बोल रहे हैं कि आप लोग जो इस तरह का हमें जो गलत राय दिए हैं ना, ये आरटीजी इस घर को छोड़ के चले जाइए, तो हम आप लोग के बात पे नहीं भागने वाले इंसान हैं। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज लड़की है जो कि जिनको ना समझ है, अभी भी ना समझ है, हम बहुत सारे अभी भी लेडीज को देख रहे हैं कि ना समझ है, दूसरे के बात पे भागने वाले अपने घर को पूरा बर्बाद कर देते हैं, अपने घर में कलह मचाते हैं दूसरे के बात सुन के। और दूसरे किसी का घर में लड़ाई नहीं होगा, दूसरे के अगर जो घर में दूसरे आपके टपकते हैं ना कोई बात, उनका घर बिगाड़ने वाला बात बोलते हैं ना, तो जो इंसान सुनने वाले रहते हैं ना उन्हीं का घर बिखरता है, और हम लोग सुनने वाले अब नहीं हैं। और अच्छा जो राय देते हैं तो हम लोग उस पर भी अमल करते हैं कि अच्छा रहे कि गलत रहे, फिर जाके वो बात को हम लोग मानते हैं, ऐसे इंसान अब नहीं है। बहुत हम लोग जो है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, और बहुत गलत अच्छे अच्छे इंसान आके अच्छे अच्छे बात बोल के गलत में फंसाया है। बहुत तरह का इतना मूड़ी काटे हैं ना, इतना गाछी पे चढ़ा के जड़ से काटे हैं ना कि मत पूछिए। लेकिन अभी तक हम लोग नहीं बोले हैं, क्यों नहीं बोले, किसी से हम लोग क्यों झगड़ा मोल ले, जो किए अच्छा किए हैं। हम लोग सब दिन यही बोलते हैं, जो करते हैं जो होता है अच्छा के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों हम आप ये देखिए कि किस तरह का गलत राय दिए है, और ये गलत राय है आप लोग पढ़ ही लिए दोस्तों, और देखिए अच्छे भी राय कितना अच्छा इंसान दिए है, तो आप लोग देख लिए दोस्तों कितना गलत है कितना अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि गलत राय देने से अच्छा होता है कि अच्छा राय देने से अच्छा होता है, कैसे घर बिखरता है, कैसे घर जुड़ता है। तो भी अच्छा राय नहीं देने के लिए जानते हैं तो बुरा भी राय मत दीजिए, ताकि किसी का घर ना बिखरे, घर बिखरा हुआ जुटाने की कोशिश कीजिए ताकि भगवान आपको अच्छा कहे। भगवान किसी की नजर में अच्छा नहीं बनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की नजर में अच्छे बनिए, किसी का घर बसाने की कोशिश कीजिए, टूटा हुआ घर को बसाइए। प्लीज आप लोग हर एक दिन यही काम कीजिए, बल्कि किसी का बिखरा हुआ घर को और बिखारिए मत, क्योंकि हम लोग पूरा परिवार बिखरे हुए हैं, अभी भी कोई अच्छे से नहीं रह रहे दोस्तों, अभी भी सब सुख मतलब दुख में ही है, कोई सुख से नहीं है। आप लोग से अच्छा कभी खुशी कबार दे देते हैं वीडियो तो लगता होगा कि सबके पास कोई गम नहीं है, नहीं दोस्तों बहुत ज्यादा हम लोग गम में जी रहे हैं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी तो वीडियो को हम यहीं अंत कर देते हैं।